प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सतवास के शासकीय महाविद्यालय का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के नाम किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष गोपी किशन व्यास, कैलाश जोशीला, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रेवाराम सारण आदि ने संबोधित किया। यहां बड़ी संख्या में भाजपा नेता और बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार संगीता महतो, महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य दिलीप मौर्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। संचालन शिक्षक मनोज दुबे ने किया। इसी तरह लोहरदा कृषि उपज मंडी का नाम भी स्वर्गीय कैलाश जोशी कृषि उपज मंडी कर दिया गया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, व्यापारी संघ अध्यक्ष शैलेश होलानी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। स्वागत उद्बोधन सचिव आनंद सिंह ठाकुर ने किया। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। हम लोग लाइव इसमें जितना चाहिए, हमने सतवास, सतवास में जो उत्साह है वो हमारा सबसे ज्यादा है। कैलाश जोशी ऐसे शख्स जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपना नाम बागली से जो जन्म यहाँ की कर्म स्थली बनाकर इस बागली का नाम पूरे भारत में बिछाया और राजनीति के संत बन के मुझ जैसे एक गरीब आदिवासी को आशीर्वाद दे के गए, ऐसे मेरे आशीर्वाद दाता स्वर्गीय कैलाश जी जोशी को मैं सत सत नमन करता हूँ और अभी सम्मानी सभी मंच को मैं भी प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह से स्वर्गीय कैलाश जोशी ने इस क्षेत्र में जो जगह बनाई है, हम सबके दिलों में एक आस्था का बीज बोया है। ऐसे आने वाली कई पीढ़ियों में जगह बनी रहे और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हमारे स्वर्गीय जोशी जी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, कहीं भी मेरे से कोई गलती हो निश्चित ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जोशी जी ने ही इतने बड़े 7-8 लाख जनता के बीच मुझे ही ऐसा व्यक्ति चुना और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं बार बार उनको नमन करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।